परिचय। श्याम और राम अपने चाचा जी के फार्म हाउस पर हैं। वे पेड़ के आसपास खेल रहे हैं। वे पेड़ पर लगे पके अमरूदों को देखकर खुश हैं। क्या हम कुछ अमरूद खा सकते हैं चाचा जी? बिल्कुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए अमरूद लाता हूं। ये कितने स्वादिष्ट हैं। श्याम, उस पक्षी को देखो, यहां तक कि पक्षी भी पके हुए अमरूदों का आनंद ले रहे हैं। हाँ, जंतु पौधों से अनेक वस्तुएं जैसे फल, छाया, ऑक्सीजन आदि प्राप्त करते हैं। बच्चों, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जंतु भी पौधों को अनेक वस्तुएं देते हैं? सच में चाचा जी, किंतु वो कैसे? चाचा जी, कृपया इसके विषय में हमें और अधिक बताएं। तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें सजीव वस्तुओं की एक दूसरे पर निर्भरता के विषय में विस्तार से बताता हूं। आओ सीखें। पौधों और जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता का वर्णन करना। पौधों और जंतुओं की निर्भरता वाले कारकों की सूची बनाना। वनों की विशेषता का वर्णन करना। वनों के कटाव से होने वाले दुष्परिणामों की चर्चा करना। वन और वन्य जीवन सुरक्षा की चर्चा करना। क्या पौधे जंतुओं पर निर्भर होते हैं? पौधों से जंतुओं को भोजन, ऑक्सीजन और आश्रय प्राप्त होता है। क्या वे इसके बदले में पौधों को कुछ देते हैं? हाँ, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जब जंतु सांस बाहर छोड़ते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उनका भोजन बनाने में सहायता करती है। बीज प्रकीर्णन द्वारा अपने बीजों के विकास के लिए पौधे पूर्ण रूप से जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? फूलों से मकरंद चूसने के लिए जब अनेक कीट, मक्खियां और तितलियां उनके ऊपर बैठते हैं तो उनके परागकण उनके पैरों के निचले भाग से चिपक जाते हैं। जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो वे अपने पैरों में चिपके हुए उन परागकणों को फैला देते हैं। फलों का चमकदार मीठा गूदा पक्षियों और जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पक्षी और जंतु फलों को खाते हैं और बीजों के प्राकीर्णन में सहायता करते हैं। इस तरह जंतु पौधों के अस्तित्व को बनाए रखने में और उनके फलने फूलने में सहायता करते हैं। वन तथा वन समष्टियां। क्या आपने इन लोगों को देखा है? जी हां, ये आदिवासी हैं। आदिवासी लोग पेड़ों की पत्तियों और फलों को एकत्रित करते हैं। आदिवासी वन्य पदार्थों जैसे गोंद, कायिक पौधे, औषधि वाले पौधे और शहद आदि द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। वे वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकारों के पौधों से अपना भोजन और औषधियां प्राप्त करते हैं। आदिवासी कुछ पेड़ों जैसे बरगद और पीपल की पूजा करते हैं। पेड़ों के प्रति ये आदर पेड़ों के संरक्षण में सहायता करता है। वनों का महत्व। श्याम वन की हरियाली को देखकर अति उत्साहित है। वनों से हमारे जीवन को अनेक लाभ मिलते हैं। आओ इनमें से कुछ लाभों के बारे में जानते हैं। वायु। वन ऑक्सीजन को निकालकर वायु को शुद्ध बनाते हैं। औषधि। वन में पाए जाने वाले अनेक पौधे औषधियों के स्रोत हैं। उनके लगभग सभी भागों जैसे जड़ों, छाल और पत्तियों का औषधीय मूल है। जल। वन बारिश के जल के बहाव को कम करके और उसे छानकर जल की गुणवत्ता को सुधारते हैं। वे जल विभाजकों की भी रक्षा करते हैं। लकड़ियां। फर्नीचर, जहाज और घर बनाने के लिए हम वनों से लकड़ियां प्राप्त करते हैं। भोजन के उत्पाद।
वनों से हम विभिन्न किस्म के फल और शहद प्राप्त करते हैं। छाया, चारों तरफ की वायु और भूमि को ठंडा करके वनों के पेड़ों की छाया पृथ्वी के ताप को कम करके इसे ठंडा रखने में सहायता करती है। ठंडक, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के दौरान वन सौर ऊष्मा को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बनाए रखते हैं और इस प्रकार से पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। स्थानीय जलवायु, ये स्थानीय जलवायु को बनाए रखने में सहायता करते हैं और इस प्रकार से जलवायु में होने वाले बदलाव से भी लड़ने में सहायता करते हैं। आओ खेलें, चित्र को उठाकर सही कथन के नीचे दिए गए बॉक्स में रखें। वनों का कटाव, जब श्याम, राम और उनके चाचा जी वन के दूसरे छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। आप पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? हम इस जमीन पर चावल उगाएंगे। चाचा जी ने श्याम और राम को बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या और अनाज की बढ़ती हुई डिमांड के कारण वन उपजाऊ जमीन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। वनों के कृषि वाली भूमि में परिवर्तित होने के कारण ही अधिक वन कटाव हो रहा है। लकड़ियों की प्राप्ति के लिए पेड़ों की अनगिनत कटाई से वनों का अधिक क्षय होता है। वनों के कटाव के कारण लाखों प्रजातियों के वास स्थानों का खोना सबसे भयंकर दुष्परिणाम है। वनों के कटाव से जलवायु में भी बदलाव आता है, क्योंकि पेड़ ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। वनों के कटने के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हमें ये जान लेना चाहिए कि हम पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वन की सुरक्षा, हमें वनों की सुरक्षा करनी चाहिए। वनों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम यह है कि कृषि करने या रहने के लिए जमीन की प्राप्ति के लिए अधिक संख्या में वनों के काटने को रोकना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि वन्य जंतुओं की खाल, उनके सींग या दांतों के लिए उन्हें मारना या उनका अवैध शिकार नहीं करना चाहिए। वन्य जीवों के मारने के विरुद्ध सरकार द्वारा लागू किए गए कानून तथा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। संरक्षित वन क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, अचानक राम ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था बाघ को बचाएं। वो अपने चाचा जी से पूछता है, चाचा जी इस बोर्ड पर बाघ को बचाएं क्यों लिखा है? बेटा, प्राचीन समय से लोग जंतुओं की खाल, उनकी हड्डियों और उनके पंजों के लिए उनका अवैध शिकार करते आए हैं। वे लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि इससे जीवन की विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम लोग अनेक प्रजातियों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। भारतीय बाघ भी इनमें से एक है। भारतीय सरकार बाघों को बचाने के लिए कदम उठा चुकी है, उसे ही प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में सरकार उन वनों की देखभाल करती है जिन वनों में बाघ रहते हैं। ये वन बाघ अभयारण्य कहलाते हैं। इन वनों में बाघों को मारना और पेड़ों को काटना एक दंडनीय अपराध है। हमने क्या चर्चा की? पौधे जंतुओं को भोजन, आश्रय और ऑक्सीजन देते हैं। जंतु पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पक्षी और जंतु पौधों के बीजों के प्राकीर्णन में सहायता करते हैं। आदिवासी वन्य पदार्थों जैसे गोंद, कायिक पौधे, औषधि वाले पौधे और शहद आदि द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। अनेक वन्य पौधों की जड़ें, छाल और पत्तियां औषधियों के स्रोत हैं। फर्नीचर, जहाज और घर बनाने के लिए वनों से हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं।
वनों से हम विभिन्न किस्म के फल और शहद प्राप्त करते हैं। वन सौर ऊष्मा को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। हम वनों को निम्न प्रकार से बचा सकते हैं। उपजाऊ भूमि को विकसित करने या रहने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। वन्य जंतुओं को उनकी खाल, सींगों या दांतों के लिए उन्हें मारना या उनका अवैध शिकार नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जिन वनों में बाघ रहते हैं, सरकार उन वनों की देखभाल करती है।